कोरियोग्रे पाउडर, इसके अंदर फर्स्ट मैं ऑयल डालूंगी। अभी इसमें डालूंगी मैं 300 ग्राम राइस के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। जैसे थोड़ा सा गर्म होने तक हमको वेट करना है। उसके बाद टू टेबल स्पून कोरियोग्रे मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें। अभी मैं इसको ऑफ करती हूँ। इसको ऑफ करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे ही भून लूँगी। उसके बाद मैं इसको ऑफ कर दूँगी। 300 ग्राम राइस मैंने प्लेन राइस पहले से ही बना के रखा है, डाल देना है। जो पहले ही से मैं प्लेन राइस बना के रखी हूँ उसको मैं अभी इसको ऑफ है मेरा। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मेरा स्टोव ऑफ ही है, अभी मैं स्टोव ऑन करूँगी। स्टोव 2 मिनट के लिए ऑन करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह मसाला राइस में चढ़ जाए। थोड़ा सा गर्म होने के बाद फिर से इसको ऑफ करना है। आफ्टर 2 or 3 मिनट इसको ऑफ कर देना है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये रेडी है खाने के लिए। इसको आप सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो और एक चम्मच 300 ग्राम में मैं 2 टेबल स्पून कोरियोग्रे मसाला डाली हूँ और एक चम्मच आप उसमें ऐड कर सकते हैं।